सब्जेक्ट एस्टीमेट। तो हमारा यूनिट 4 चल रहा है डिटेल एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। तो अभी तक हमने डिटेल एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट में क्या सीखा, किसी दीवार का एस्टीमेशन करना, एक रूम का एस्टीमेट करना या फिर दो रूम का। अब बिल्डिंग है उसमें रूम होते हैं, दीवार होती है, उसके साथ साथ बिल्डिंग में एंट्री करने के लिए स्टेयर्स भी लगी होती हैं। क्या होती हैं? सीढ़ियाँ। तो आज हमारा टॉपिक है एस्टीमेशन ऑफ स्टेयर क्वांटिटीज, सीढ़ियों की क्वांटिटी को निकालना। तो बिल्डिंग का ही एक मेन पार्ट होती है स्टेयर्स, तो हमें इसका एस्टीमेशन देखते हैं, इसका एस्टीमेशन कैसे निकालते हैं। अब सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ आपकी ईंट की भी बनती है, कंक्रीट की भी बनती है, लकड़ी की भी बनती है। तो हम पहले अपने एक टिम्बर के, हमारे यहाँ पर एक लकड़ी के क्या है, स्टेयर है, टिम्बर स्टेयर है, इसका एस्टीमेशन करना हो तो कैसे करेंगे। ये जो टिम्बर के स्टेयर है, आप इसे ध्यान से देखें कैसे बनी हुई है, ये लकड़ी के तख्तों से बनी हुई है। ये तख्ते किस तरीके के होते हैं, अब लकड़ी को पूरा बॉक्स लेके आपको ऐसा तो लगेगा नहीं कि हमने एक क्यूब लिया, इस तरीके का क्यूब लेकर फिर लकड़ी को काट कर दो, लकड़ी को बनाया नहीं गया स्टेयर्स को कि इतना काटा, इतना घिसा, फिर इतना घिसा, इस तरह से तो बनाया नहीं गया। ये स्टेयर्स कैसे बनती है आपकी, ये लकड़ी के छोटे पतले पतले तख्ते होते हैं जिनको एक के ऊपर एक रखकर जोड़कर तब बनाया जाता है। जैसे कि आपका ये पहला तख्ता है, पहला तख्ता आपका एक ये बड़ा तख्ता है, एक तख्ता ले लिया, इसके ऊपर हमने दूसरा तख्ता कोई और साइज का ये रख दिया, इसी के ऊपर इसको इसके ऊपर रखकर फिर इसी के साइज का, इससे हाफ साइज का एक और तख्ता रख दिया, और इस तरीके से हमारी ये स्टेयर तैयार हो चुकी है। इन छोटे छोटे तख्तों को एक के ऊपर एक रखकर जोड़कर तब इन स्टेयर्स को बनाया गया। तो हमारा एस्टीमेट निकालते वक्त हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी स्टेयर बनी कैसे थी, उसमें एक्चुअल वर्क हुआ कैसे था स्टार्ट। तो ये किस तरीके से, एक तख्ता आपका ये है, एक तख्ता आपका ये है, इस तरह से ये तीन तख्ते हैं। तो हम देखते हैं अपना एस्टीमेशन इसका कैसे करते हैं, बहुत ही इजी एस्टीमेशन है। हमारे डिटेल एस्टीमेट की टेबल क्या होती है, पहला कॉलम होता है हमारा सीरियल नंबर, दूसरा हमारा होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, सेकंड नंबर, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। क्वांटिटी एंड टोटल क्वांटिटी, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, इसको पर्टिकुलर भी बोल देते हैं, आइटम नंबर, लेंथ आपकी मीटर में, विड्थ मीटर में, हाइट या डेप्थ मीटर में, एंड क्वांटिटी एंड टोटल क्वांटिटी। तो हमें अपना एस्टीमेशन इसी में ही करना है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, लकड़ी की सीढ़ी है तो सबसे पहला काम क्या होगा, लकड़ी का काम होगा। अब इसमें कोई ईंट खुदाई वगैरह तो लगेगी नहीं, ये तो पूरा अपने आप प्रिपेयर आती है। और इस तरीके की लकड़ियाँ कहाँ यूज होती हैं, सीढ़ियाँ दुकानों के सामने, ये पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड होती हैं। तो इसमें सबसे पहला कार्य किसका होगा, वुडवर्क का, पहला कार्य किसका होगा, वुडवर्क। अब लकड़ी का कार्य है तो देखते हैं, तो हमने कैसे किया, ये पहला तख्ता, दूसरा तख्ता और तीसरा तख्ता। तो जब क्वांटिटी निकालेंगे तो इसकी फर्स्ट स्टेप की निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप पहले आप एक साथ नहीं निकाल सकते, आपको इजीली इसको रेक्टेंगुलर शेप में बना लेना है, पहले एक स्टेप की निकालिए फिर दूसरे की। तो पहले को देखते हैं कितना
कितना नंबर तक का है? एक नंबर। अब इसकी लंबाई कितनी है जो हमें सामने से दिख रही है? ये कितनी है? 1.20। विड्थ देखिए कितनी है इसकी? 0.60। एंड इसकी हाइट जो है ये हमको दी गई है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी है? 0.15। इसी तरीके से आप सेकेंड स्टेप का निकाल सकते हैं। क्या होगी? लंबाई यही रहेगी, इसकी भी यही रहेगी, इसकी भी यही रहेगी, तो क्या है लंबाई? 1.20। अब इसकी चौड़ाई देखते हैं, पहले वाले तख्ते की तो 0.60 थी, अब इस तख्ते को हमें माइनस करना है, हमें इतनी चाहिए, हमें वहां क्वेश्चन में नहीं दी गई, हमें क्या है फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे आप? ये 0.60 का है, 60 सेंटीमीटर का है और ये 20 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो आप 60 में से तो 20 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई को घटा देंगे तो आपको इस तख्ते की चौड़ाई मिल जाएगी, मतलब कि 60 माइनस 20 करके कितनी आ गई? 0.40। इस 60 में से इस 20 को घटा दिया, बाकी आपकी ये हाइट तो 0.15 ही है। अब हम थर्ड स्टेप को देखते हैं। हमारा थर्ड स्टेप क्या है? एक नंबर है। अब इसकी लंबाई वही सेम 1.20 है, 1.20। इसकी भी चौड़ाई क्या चेंज हो जाएगी, ये सिर्फ कितना चौड़ा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे 60 में से इस 20 को घटाना पड़ेगा और इस 20 को घटाना पड़ेगा, इस 20 को और इस 20 को, तो हमें कितना बचा? 20। 40 घटा दिया तो कितना बचा? 20। और ये आ गई हाइट आपकी 0.15। तो ये क्या निकाल लिया हमने? लकड़ी का कार्व है। अब लकड़ी है तो इस पर पेंट भी होगा, तो हम पेंट वर्क देखते हैं, इसका पेंट वर्क कैसे होगा। लकड़ी को आप फिनिश करके देंगे, पेंट करके देंगे, तो पेंट वर्क में क्या देखते हैं, क्वांटिटी क्या आती है। जब आप इसका पेंट करेंगे तो हमें पता है स्टेयर्स में जो ऊपर का ये हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड। क्या बोलते हैं? ट्रेड। और ये जो उठान होता है इसको क्या बोलते हैं? राइज। ये हम बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ चुके थे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो पहले हम ट्रेड पर क्या करेंगे, पेंट जब होगा पहले हम किस पर करेंगे? ट्रेड पर, इस पोर्शन पर कुछ इस तरीके से पेंट करेंगे, इस पर करेंगे, इस पर करेंगे और इस पर करेंगे। तो कितने ट्रेड है हमारे? 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ ट्रेड कितना है? 3। पहला पेंट हुआ आपका ट्रेड में, नंबर ऑफ ट्रेड 3। अब पेंट की बात हो रही है तो पेंट क्या है? स्क्वायर मीटर होती है पेंट की यूनिट, तो स्क्वायर मीटर दो डायमेंशन चाहिए हमें। पहली कौन सी है? 1.20 इसकी लंबाई। दूसरा इसको हम चौड़ाई में करेंगे, चौड़ाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो लंबाई 1.20, चौड़ाई 0.20, ये हमारा खाली रहेगा क्योंकि इसकी स्क्वायर मीटर है यूनिट। जब ट्रेड हो जाएगी तब आप क्या करेंगे? अपनी राइजेस को करेंगे। किनको करेंगे? इनको पेंट, ये राइज देखते हैं। राइज कितनी है आपकी? राइज कितनी है? 3। अब राइज की लंबाई देखो तो जो उठान है इसकी भी लंबाई कितनी है? 1.20। अब इसमें कोई चौड़ाई तो है नहीं, सिर्फ क्या है इसकी ऊंचाई दी हुई है हमें, तो इसमें कोई चौड़ाई नहीं है, सिर्फ क्या दी हुई है? ऊंचाई 0.15 की। इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया अपना? राइस में पेंट। अब सामने से हो गया, ये हो गया, पर इसकी लकड़ी का तख्ता है तो इसकी साइड्स भी होंगी। क्या होंगी साइड्स? ये वाली, ये साइड्स। अब जब ये साइड को आप पेंट करेंगे तो इसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? ये तो आपको कुछ इस तरीके से कट कट में दिखेगी, तो क्वांटिटी निकालने के लिए यही चीज हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले तख्ते की मोटाई, दूसरे तख्ते की मोटाई और तीसरे तख्ते की मोटाई। तो हमें पेंट किसमें निकालना है? थर्ड आपका साइड।
एड स्मेल। कितनी साइड होंगी आपकी? एक इस साइड होगी और एक इस साइड होगी, मतलब कि दो साइड होंगी। अब फिगर आपको इस तरीके का दिया होगा, ये आपको एज्यूम करना है एक साइड दिख रही है तो सिर्फ एक साइड का पेंट वर्क करके नहीं देना है, दूसरी साइड भी तो यहाँ पर है उपलब्ध। एक साइड ऐसा तो है नहीं कि एक साइड ही है, तो दूसरी साइड को भी हम देंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने आ गए? दो। अब साइड्स को देखें तो पहली साइड को लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं फर्स्ट साइड को लेते हैं, फर्स्ट स्टेप साइड, पहली सीढ़ी की साइड। नंबर ऑफ साइड कितने हैं? दो। लंबाई देखिए, इसकी लंबाई कितनी आएगी इसमें? ये 0.60। इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, हम साइड को देख रहे हैं, तो साइड कितनी चौड़ी है आपकी? 0.60 की। साइड की कोई चौड़ाई नहीं है लेकिन ऊंचाई कितनी है? 15। जब हम इसको आधे आधे में बांट देंगे तो ये कितनी है? 15 है, हमें पता है ये हमारी 15 है, तो ये कितनी हो गई? 15। अब हम दूसरा स्टेप लेंगे, ये वाला सेकंड स्टेप। वही दो साइड है, एक इधर की और एक इधर की। अब हम इस वाले पोर्शन को ले रहे हैं, इसको पेंट कर रहे हैं। ये कितना चौड़ा होगा? इसकी लंबाई कितनी होगी? 60 में से इस बीच को आप घटा देंगे, मतलब 40। कितना हो गया? 40। इसकी भी हाइट क्या होगी? 15 होगी, ये 15 होगी। अब थर्ड स्टेप को लेते हैं, थर्ड स्टेप साइड, वही दो साइड। अब थर्ड स्टेप हमारा ये है, इसकी चौड़ाई कितनी है? लंबाई 60 में से 20 इसको घटाइए, 20 इसको घटाइए, मतलब कि 40। तो ये कितनी है? सिर्फ 20। ये जो हमें दिख रही है, ये कितना है आपका? 20। और इसकी हाइट कितनी होगी? 0.15। तो इस तरीके से हमने साइड्स का भी पेंट निकाल लिया। अब आप ये सोचेंगे कि आपका काम खत्म हो गया। जरा आप ध्यान से देखिए, इसकी पीछे की बैक भी तो होगी कहीं, ये जो है बैक, पीछे का बैक भी होगा, उसको भी हमें क्या है? पेंट करके देना है। जब आर्टिफिशियल स्टेयर्स होती हैं बनी बनाई पहले से प्रिपेयर्ड, तो आप उसको देखकर पेंट करके देते हैं, तो इसकी बैक को हमें क्या करना है? पेंट करना है। तो थर्ड आपका क्या है? बैक। बैक कितनी है? एक ही है पूरी सीढ़ी के लिए, कितनी है? एक। अब हम इसके देखेंगे बैक की लंबाई कितनी होगी, कितनी होगी? यहां से यहां तक की होगी, मतलब 1.20। ये आ गया आपका 1.20। अब इसमें चौड़ाई तो नहीं है लेकिन हमें पता है ये ऊंचाई पूरी, ये कुछ इस तरीके से बैक हमारे पीछे से दिख रही होगी, जो कि 1.20 चौड़ी होगी। और ये ऊंचाई कितनी है? हमें नहीं दी गई है लेकिन हमें पता है 15 का ये तक था, 15 का ये तक था, 15 का ये, 15 15 15, कितना हो गया? 45। तो यहाँ हम कितना लिख सकते हैं? 0.45। और इस तरीके से हम अपनी सारी क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं। तो हमारी क्वांटिटीज जो है टोटल वो क्या आ गई? ये वुड वर्क की क्वांटिटी आई सभी को ऐड करके 0.216 क्यूबिक मीटर, और पेंट वर्क जो हमें पेंट करना है लकड़ी में उसकी क्वांटिटी क्या आ गई? 2.16 स्क्वायर मीटर। इस तरीके से तो हम लकड़ी की स्ट्रेयर को कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगर हमारी ईंट की स्ट्रेयर हो, सीमेंट कंक्रीट की हो, चिनाई की हो, तब हम कैसे एस्टीमेट को करेंगे, देखते हैं एस्टीमेट की। अब हम देखते हैं अपनी एक स्ट्रेयर जो कि ईट चिनाई की बनी हुई है, घर के बाहर लगी हुई है, लेकिन ये स्टेयर आपको देखने में इस तरीके की दिखेगी। ये जो एंट्री स्टेयर्स होती है जहां से हम चढ़कर अपने गेट के अंदर एंट्री करते हैं, ये उस तरीके की एक एंट्री स्टेयर है। पर ये स्टेयर कैसी है? यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं और यहाँ से भी, गेट आपका यहाँ से भी है और यहाँ से भी। सो के लिए बहुत से लोग इस तरीके से राउंडेड भी बना देते हैं इसको, एल शेप में, ये एल शेप स्टेयर है, या फिर इसको बोल देते हैं टू वे स्टेयर, टू वे स्टेयर।
अगर आप टू वे की कर सकते हैं तो आप वन वे की भी कर सकते हैं, तो इसलिए हम सीधे टू वे स्टेयर को समझते हैं कि टू वे स्टेयर की क्वांटिटी को हम कैसे निकालेंगे। तो ये टू वे जो स्टेयर है इसके लिए वही हमारा टेबल बनेगा, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ आइटम, नंबर लेंथ मीटर में, विड्थ मीटर में, हाइट मीटर में, क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी एंड रिमार्क। तो ये हमारा टेबल है। अब हम स्टार्टिंग जब हम फाउंडेशन की देख रहे हैं, ये क्या है, सीडी है, तो हम अपना स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? सीडी बनाने के लिए सबसे पहले क्या कार्य किया गया होगा, आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा, एस्टीमेट तो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अपने माइंड में ये रखना होता है ध्यान में कि पहले क्या कार्य स्टार्ट हुआ होगा। ऐसा नहीं है सीधे आपने चिनाई कर दी, चिनाई से पहले कुछ और कार्य भी हुआ होगा, तो आपको अपने फिगर को देखते हुए उन कार्यों को ध्यान में रखना है स्टेप बाय स्टेप। तो जब सीढ़ी बनती है तो सीढ़ी बनेगी, ये आपका जीएल है, ग्राउंड लेवल है, यहाँ से इतना उठा के हमने सीढ़ी बनाई थी। तो जब ग्राउंड लेवल से बनाई थी तो सीढ़ी को डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर तो ईंट बिछा कर हम सीढ़ी बनाते नहीं है, हम क्या करते हैं, अगर ये ईंट की लेयर मिस्त्री ने बिछाई तो इसके नीचे हमें पहले मिट्टी के लिए क्या चाहिएगा, बेस चाहिए होता है, एक सॉलिड बेस। मिस्त्री क्या करता है, पहले थोड़ी सी मिट्टी को नीचे से खोदता है, वहां पर एक बेस बना देता है जिसके ऊपर वो अपनी ईंट की चिनाई करके सीढ़ियां बनाना चालू कर देता है। तो उसने क्या किया मिस्त्री ने, या आपने क्या किया, पहले इतनी मिट्टी को खोद कर अपने बेस के लिए मिट्टी को खोदा, मतलब कि पहला काम क्या किया आपने, मिट्टी खुदाई का। तो मिट्टी खुदाई के लिए क्या होता है, पहला आइटम अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन इन फाउंडेशन। सबसे पहले हमने क्या कार्य किया, मिट्टी को खोदना स्टार्ट किया। अब जब आप मिट्टी को खोदेंगे तो देखिए ये आपकी ईंट की दीवार है, ईंट की क्या है, स्टेप है, पहली सीढ़ी है ईंट की, जिसका ऊपर से प्लान ये है और साइड से व्यू ये है। तो ये वाली जो सीढ़ी है इसका प्लान हमें ये दिख रहा है, ये टू वे में है इसलिए इस तरीके से है। तो इसके बाहर ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है कंक्रीट बेस को, किसको शो कर रही है, कंक्रीट बेस को, इस बेस को। ये जो चारों तरफ डॉटेड लाइन है मतलब कि हमने कंक्रीट का एक बेस बनाया, उसके ऊपर सीढ़ियों को रखा, सीढ़ियों को सीधे मिट्टी के ऊपर नहीं रखा। तो ये जो बेस है हमें इसकी खुदाई के लिए मिट्टी कार्य निकालना है, हमें अपना बेस देखना पड़ेगा। हमें हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 मीटर चौड़ी सीढ़ी, देखना क्या होगा, हमें दिया क्या है, 2 मीटर चौड़ी सीढ़ी दी है, लेकिन हमें खुदाई कहाँ तक करनी है, अपने कंक्रीट के बेस तक। ये कैसे निकालेंगे हम, हमें खुदाई इतना करनी है। तो करेंगे क्या, हम अपना साइड व्यू को देखिए, साइड व्यू में कंक्रीट बेस जो है आपको 0.10 निकला हुआ दिखाई देगा। इसकी क्या डायमेंशन दी गई है आपको, 0.10 सेंटीमीटर गहरा, 0.10 मीटर गहरा और 0.10 ही ये बाहर इस तरीके से थोड़ा सा निकला हुआ। तो ये जो बाहर निकला हुआ है ये कितना निकला हुआ है, ये 0.10। तो आप अपने 2 मीटर में 0.10 इसे जोड़ेंगे और 0.10 इसे जोड़ेंगे, मतलब कि 2 मीटर में 0.10 प्लस 0.10 बराबर 2.20 मीटर लेंथ आ गया। नंबर ऑफ सीढ़ी क्या है, हम एक ही लेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक बार में ही पूरी खुदाई कर लेंगे इस तरीके से। पहले देखते हैं इसकी पूरी मत कीजिए, आप एक बार में कीजिए, आगे वाली की देखिए, फ्रंट वाले की, फिर हम खुदाई उसकी अलग करेंगे। फर्स्ट स्टेप देखते हैं, फ्रंट स्टेप, फ्रंट स्टेप इन फाउंडेशन। पहले हम खुदाई के लिए आगे वाली स्टेप देख रहे हैं, कौन सी सीढ़ी देख रहे हैं, पहली वाली, फ्रंट वाली, हम साइड वाली को नहीं देख रहे हैं। इसमें दो टू वे है इसलिए हमें दोनों वे को लेकर चलना है एक साथ ही,
तो पहले हमने बनाया फ्रंट स्टेप के लिए खुदाई, तो फ्रंट स्टेप के लिए खुदाई क्या होगी, 2 मीटर और 10 10 ये जोड़ दी, नंबर क्या आएगा 1, लेंथ कितनी आ गई ये 2.20, पता चल गया कैसे आई। अब हम इसकी चौड़ाई देखेंगे, तो आपको चौड़ाई कितनी दिखाई देगी, हमें मिट्टी का खोदना है, क्या करना है मिट्टी का खुदाई करना है, तो आप यहाँ प्लान में चौड़ाई देखिए, 30 ये 30 ये 30 ये कितना हो गई 0.90, तो ये कितना आ गई 0.90। अब हम इसकी हाइट देखेंगे, क्या देखेंगे हाइट, बात हो रही थी सिर्फ इतनी। अब ये आप ये बात देखिएगा कि हम एक सीढ़ी, हमें तो कंक्रीट का बेस ढलना है, कंक्रीट का बेस क्या है पूरा एक इस तरीके से ढाला गया है, तो ये कंक्रीट का बेस कैसा होगा कुछ इस तरीके का, इस तरह से चौड़ा एक कंक्रीट का बेस है जिसकी लंबाई कितनी है 1.20 मीटर और चौड़ाई 0.90 और इसकी गहराई कितनी है 0.10 मीटर, ये गहराई। तो ये स्टेयर्स के नीचे पूरा चौकोर कंक्रीट का हमने बेस डाला है, तो जिसके लिए हमें क्या करनी है खुदाई करनी है, तो खुदाई कितनी गहरी होगी 0.10। इसी तरीके से जब फ्रंट स्टेप के लिए आपने फाउंडेशन के लिए निकाल लिया, अब हम किसके लिए निकालेंगे अपनी सेकंड के लिए, इस साइड वाली के लिए, तो साइड वाली के लिए देखते हैं, सेकंड साइड स्टेप इन फाउंडेशन, फाउंडेशन नंबर ऑफ लेंथ कितनी होगी 1। अब इसको हमें लंबाई देखनी है, बात हो रही है इसकी, जब आपने खुदाई की तो 2 मीटर ऐसे की थी 2.20 और 90 ऐसे की थी, इसका मतलब 90 का मतलब आप इतना 90 कर चुके हैं, कितनी खुदाई कर चुके हैं आप यहाँ तक की 90 खुदाई कर चुके हैं। तो अब आपको खुदाई कितनी करनी है, अगर आप यहाँ पर 2 मीटर लेते हैं दोबारा से, तो आप इतनी एक्स्ट्रा खुदाई और जोड़ रहे हैं जो कि हमने की ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस 2 मीटर में से इतना हम कर चुके हैं इस एरिए को, हमें सिर्फ इतना ही निकालनी है, तो 2 मीटर में से अगर हम इस 0.90 को घटा दें तो हमें ये वाली लेंथ मिल जाएगी, मतलब 2 मीटर में से आप 0.90 को घटा दीजिए तो कितनी मिल गई आपको 1.10। लेकिन अब आप यहाँ देखिए कि 90 तो ये हो गई 10 सेंटीमीटर, अब इधर की जो हमारी कंक्रीट का बेस 10 सेंटीमीटर इधर और एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे इसे प्लस 0.10 और जोड़ देंगे, और हमने जोड़ दिया किसका कंक्रीट के इस वाले बेस का, 2 मीटर हमारी यहाँ तक की थी जिसमें से हमने ये 90 घटा दी, हमें मिल गया एक 10 और इसमें ये 10 और जोड़ दी, तो हमारी लंबाई कितनी आ गई 1.20। चौड़ाई हमारी क्या है 30 30 60 और 90, मतलब 90.90। गहराई इसकी वही कंक्रीट का ब्लॉक है तो 10 रहेगी। तो ये तो हो गया अर्थवर्क का काम, मिट्टी खुदाई का काम है। जब आप इसमें मिट्टी को खोद लेंगे, तो मिट्टी को खोदने के बाद हम क्या करेंगे अपने सीमेंट कंक्रीट को डालेंगे, जो सीमेंट कंक्रीट का बेस है फाउंडेशन में, उस इस बेस को हम बिछाएंगे। तो दूसरा कार्य हमारा क्या होगा, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, कंक्रीट इन फाउंडेशन, पहले सेम इसी की तरह करते हैं फ्रंट स्टेप के लिए और साइड स्टेप के लिए। तो फ्रंट स्टेप के लिए देखते हैं, फ्रंट स्टेप इन फाउंडेशन, कितनी दीवार है आपकी 1। अब जब सीमेंट कंक्रीट निकाल रहे हैं तो जितना हमने खुदाई की थी उतने में ही हम सीमेंट कंक्रीट डाल रहे हैं, तो इसके लिए आपको दोबारा अक्कल लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस ये देखिए कि इतने में ही हमने खोदा है और इतने में ही हमें सीमेंट कंक्रीट डालनी है। 2 मीटर में 10 और 10 इधर ऐड किया था, मतलब कि 2.20। लेकिन जो चौड़ाई है
यहाँ पर कितनी थी 90। जब सीमेंट कंक्रीट को डालोगे तो थोड़ा सा आप अंदर की तरफ और बढ़ा कर डालोगे, 0.10 अंदर की तरफ बढ़ा कर डालोगे, तो आप इसकी सीमेंट कंक्रीट का बेस कितना ले लेंगे 1 मीटर। मोटाई कितनी है 0.10। ये हमारा फ्रंट स्टेप के लिए आ गया। अब दूसरा साइड स्टेप के लिए लेते हैं, साइड स्टेप इन फाउंडेशन। साइड वाली जो कंक्रीट है उसके लिए, साइड वाली सीढ़ी के लिए तो सेम लंबाई रहेगी। लंबाई हमारी क्या थी जो हमने फाउंड की थी, ये वाली 1.20। एक नंबर 1.20 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी देखिए जो 90 को नापेंगे तो 90 में आपका क्या और बढ़ जाएगा 10। तो ये हो गया 1 मीटर और गहराई 0.20। इस तरीके से हम यहाँ आ गए, हमने सीमेंट कंक्रीट को कर लिया। सीमेंट कंक्रीट करने के बाद हम अपना तीसरा कार्य क्या करेंगे, चिनाई का कार्य, क्या लगाएंगे ईट। तो थर्ड आपका क्या होगा, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। फाउंडेशन जब चिनाई में आप कार्य करेंगे तो इसमें क्या है, पहली पीढ़ी है, पहला पैंडा है, मतलब कि फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, तीन स्टेप बने हुए हैं, तीन सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के लिए करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्वांटिटी हम एक ही लेते हैं। जब आप चिनाई करना इसमें स्टार्ट किए, आप इसका प्लान देखिए, पहले हम क्या रख रहे हैं, अपना फर्स्ट स्टेप रखते हैं। तो चिनाई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इतनी इतना किया था, यहाँ क्या छोड़ दोगे? अगर आप यहाँ तक पूरी को ईट नहीं लगाएंगे, जैसे कि लकड़ी के कार्य में किया था, पहले पूरी ईटों को आप बिछाएंगे लास्ट तक, तभी तो उसके ऊपर जो दूसरी ईट की लेयर आएगी तभी तो वो ऊंची उठेगी। पहली ईट की लेयर ऐसे लगाएंगे, दूसरी ईट की लेयर कैसे लगाएंगे, इसके ऊपर से इतना, तो ये ऊंची उठकर कुछ ऐसी दिखने लगेगी। फिर इसके ऊपर तीसरी लेयर लगाएंगे, मतलब कि ईट को ये नहीं कि सिर्फ इतने में बिछाना है, आपको पूरा यहां तक बिछाना है। तो हम क्वांटिटी देखते हैं फर्स्ट स्टेप की। पहले हमें क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, कितनी लंबाई में हमने अपनी ईटों को बिछाया है। आपकी लंबाई क्या है, अब हमें कंक्रीट की बात नहीं हो रही है तो अब हम इसको नहीं देखेंगे डॉटेड को, अब हम देखेंगे सिर्फ ईट को। तो ईट कहाँ से स्टार्ट है आपकी, यहाँ से 2 मीटर से, 2 मीटर ऐसे है और 2 मीटर ऐसे है। लेकिन जब आप क्वांटिटी करेंगे तो आप ईट को करेंगे तो 2 × 0.90 करेंगे, और जब 2 × 0.90 करेंगे तो इतना एरिया फिर से आपके पास आ गया। तो 2 × 0.90 करने पे इतना एरिया आ गया था, इसका मतलब इतने एरिए तक की क्वांटिटी तो है। हमें कितनी चाहिए, ये और चाहिए। तो आप लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 आपके पास है, ये प्लस ये जोड़नी है आपको इतनी, ये 0.90 में आप जब कैलकुलेट करेंगे इसको इंटू करेंगे 0.90 का, तो ये अपने आप आ जाएगी लेंथ उसमें। तो हमें ये चाहिए, तो ये करने के लिए 2 में प्लस कर दीजिए, कितना करेंगे, इस 2 में से इस 90 सेंटीमीटर को घटा दीजिए, क्या कीजिए, 2 में से 90 सेंटीमीटर को घटा दीजिए, ये आपका कितना आ गया 3.10। समझ में आया, इस पूरे 2 में से हमने इतनी और, क्योंकि अब क्या है ये 3.10 हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं चौड़ाई से, मतलब कि 90 से 0.90 से, 3.10 ये दोनों लंबाई आ गई। तो इसमें जो 0.90 का मल्टीप्लाई है वो एक साथ हो गया एक ही बार में, आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर सॉल्व होगी, सिर्फ आपने इसको पूरा लंबाई मान लिया। अगर आप इसको 2 और 2 = 4 लेते तो ये जो 90 है जो कूड़ा कर रहे थे वो इसमें दोबारा एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाती, तो इसलिए हमने इस 90 को घटा दिया। अब हमको चाहिए गहराई, गहराई हमें कहाँ से मिलेगी, अपने साइड व्यू से।
कितनी गहरी है हमारी ईटों की मोटाई कितनी है 0.15। ऐसे हम सेकंड स्टेप को निकालते हैं। सेकंड स्टेप को देखिए आप, हमें सेकंड स्टेप ये दिया हुआ है, ये जिसकी हमको लंबाई नहीं दी गई है। हमें सिर्फ पहले 2 मीटर चौड़ी एक सीढ़ी की लंबाई दी गई थी। अब हम दूसरी सीढ़ी की लंबाई कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि ये 30 सेंटीमीटर चौड़े हैं, यहां से भी, मतलब कि ये क्या है, 30 सेंटीमीटर चौड़ा है। आप अपने इस पूरे 2 में से अगर इस 30 सेंटीमीटर को घटा देते हैं तो आपको इसकी क्या लंबाई मिल जाएगी, 1.7 सेंटीमीटर। मतलब कि आपकी दूसरी पैड़ी की लंबाई 1.7 सेंटीमीटर हो गई। 1.70। अब वही चीज 1.70 ऐसे थी, जब आप इसको इधर से देखेंगे 1.70 है पूरा यहां से यहां तक, लेकिन हमें कहां तक की चाहिए, यहीं तक की। तो कितना घटाना होगा हमें एक साथ में से, ये वाली लंबाई ये कितनी है, पहले तो ये 90 थी, 30 30 30 90। अब 30 माइनस कर दो तो कितना है ये 60, मतलब कि ये जो दूरी है ये कितनी है 60। तो आप क्या करेंगे, 1.70 और माइनस 0.60, कितना आ गया ये आपका 1.70, 1.1, 2.8 आ गया। अब इसकी चौड़ाई क्या रहेगी, दूसरे स्टेप के लिए जो चौड़ाई में ईट डलेगी कितनी होगी, यहां से यहां तक, क्योंकि ये तो हमें अब नीचा करना है तो नीचा हो गया, कितना है 0.60। और ऊंचाई तो वही सेम 0.15 है यहाँ पर, तो यहाँ 0.15 आ जाएगी। अब थर्ड स्टेप को देखते हैं। थर्ड स्टेप क्या है आपका, ये है। तो अब आप इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, सेम इसकी तरह, या तो 2 में से आपने 30 घटाया तो 1.70 आ गई थी, अब ये भी 30 की है, इस 30 को और घटा दीजिए तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, 1.40। ये आ गई आपकी 1.40। अब जब आप पहले की तरह जैसे इसमें लंबाई निकाली थी इसकी देखेंगे तो 1.40 ऐसे है, 1.40 यहाँ तक है, जिसमें से हमें कितनी चाहिए सर, कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या है, 1.40 मीटर। तो ये 1.40 की भी हमें कितनी लेनी है, सिर्फ यहां तक की ये लेनी है। कैसे लेंगे, इस 1.40 में से ये वाली 30 घटा करके, ये 30 को घटा के, तो 1.40 तो एक लंबाई है ही हमारी, प्लस कितना किया, ये 1.40 में प्लस करना है हमें 1.40 और माइनस 0.30, ये आपका आ गया 2.5 मीटर। तो तीसरी लंबाई आपकी क्या हो गई, 2.50। इसकी चौड़ाई कितनी है, ये 1.40 ऐसे थी, 0.30 ये यहां से और यहां से, तो ये 0.30 इसकी चौड़ाई हो गई। और ऊंचाई तो सेम वही 0.15 इस वाले स्टेप की, ये 0.15 इसकी ये आ गई। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, अपना चिनाई का कार्य निकाल लिया, और किसी को भी हमने डबल नहीं किया, मतलब कि कोई भी वर्क लैप नहीं हुआ। तो ये तो हो गया आपका वेट वर्क का। इसके बाद हम अपना फोर्थ देखते हैं, प्लास्टर, 15 mm थिक प्लास्टर। अब जब सीढ़ियां बन जाती हैं उसके बाद सीढ़ियों पर क्या होता है, प्लास्टर होता है। तो प्लास्टर कैसे होता है, आप पहले एक बार ऐसे करेंगे और इस तरीके से, प्लास्टर की मेजरमेंट क्या होती है आपकी स्क्वायर मीटर में, तो ये हमें पता है ये क्या होती है, ट्रेड होती है, क्या होती है, ट्रेड। और ये उठान वाला क्या होता है, राइज। सबसे पहले हम प्लास्टर के लिए देखते हैं अपनी ट्रेड्स को, किसको देखते हैं, ट्रेड्स को। ट्रेड
अब जो ट्रेड है, एक ट्रेड, दो ट्रेड और तीन ट्रेड, कितने पैड़ी है? तीन पैड़ी है। सबकी लंबाइयां अलग अलग है, इसलिए हम सबको अलग अलग नापेंगे। तो पहली ट्रेड देखते हैं, फर्स्ट ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड आपकी क्या है? एक नंबर। अब इसकी लंबाई देखते हैं, लंबाई क्या आएगी फर्स्ट ट्रेड की? तो आप देखेंगे प्लास्टर जब करेंगे तो दो आपने ऐसे किया, कैसे किया प्लास्टर? चलिए हम प्लास्टर करते हैं। आपने प्लास्टर यहाँ से चालू किया करना, इसको कुछ इस तरीके से करते हुए यहाँ तक किया। कहाँ तक कर लिया आपने? यहाँ तक, मतलब कि 2 × 2 में 0.30 तक, इस 0.30 तक कर लिया। अब हमें कितना करना है? ये वाला करना है। क्या करना है? ये वाला। तो आप क्या करेंगे, इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे? नीचे निकाले तो 2 मीटर तो ये पूरी हो ही गई। अब ये वाला जो है, अगर हम इसमें भी दो लेते हैं और इसमें भी दो लेते हैं, इसको दोबारा, तो ये क्या है? डबल लैप हो रहा है, हो रहा है डबल लैप। तो हम क्या करेंगे, इस 0.30 को एक बार घटा देंगे, तो 2 + 2 − 0.30। जो 2 और 2 4 लंबाई आने वाली थी, उसमें से हमने 0.30 लंबाई को घटा दिया सीधी सीधी बात, तो हमारी ये कितनी हो गई? 3.7 मीटर। ये आ गई हमारी 3.7। अब प्लास्टर कितनी चौड़ाई के लिए हो रहा है? 30 की चौड़ाई के लिए, 0.30 के लिए। इसकी कोई हाइट नहीं होती है प्लास्टर की, तो ये हो गया। अब हम सेकंड ट्रेड को देखते हैं, सेकंड ट्रेड भी सेम इसी तरह से होगी। सेकंड ट्रेड, एक नंबर है आपकी। सेकंड ट्रेड की लंबाई आप कैसे करेंगे? क्या है हमारी? 1.70। तो इसमें से भी क्या करना है आपको? इसको माइनस कर देना है। तो इसके हम कैसे निकालते हैं? 1. सेकंड ट्रेड की देखते हैं, 1.40 में से हम क्या माइनस कर देंगे? 0.30। सेम इसी की तरह इसको कर लेते हैं। आपकी क्या लेंथ है सेकंड ट्रेड? सॉरी, 1.70 वाली है, हमें ये वाली देखनी है। तो 1.70 प्लस में 1.70 में से क्या माइनस कर देंगे आप? ये वाला पोर्शन, 0.30 वाला, 0.30 को माइनस कर देंगे। तब ये आपकी लेंथ कितनी आ गई? 1.70, 1.4, 3.10। आपने इसमें से भी 0.30 को माइनस कर दिया। और इसकी चौड़ाई कितनी थी? 30 सेंटीमीटर हमारी सीढ़ी चौड़ी है, 1.70 लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी है, उतना भी हमें प्लास्टर करना है। ऐसे हम थर्ड स्टेप का कर लेते हैं। तो थर्ड ट्रेड क्या है हमारी? थर्ड ट्रेड को ऊपर देखते हैं, थर्ड ट्रेड क्या है? एक चालीस में से क्या करेंगे हम? नीचे देखें तो 1.40 + 1.40 − 0.30, तो कितना आ गया ये? 2.5। और चौड़ाई कितनी है? 0.30। तो इसकी क्वांटिटी आ गई 0.93 और इसकी क्वांटिटी आ गई 0.75। तो इन सब की जो क्वांटिटी है, हमने जो अर्थवर्क किया उसकी क्वांटिटी फ्रंट स्टेप की ये आई और साइड स्टेप की ये आई। इन दोनों को हमने क्या कर दिया? टोटल कर दिया, तो हमारी टोटल क्वांटिटी आ गई। हमने सीमेंट कंक्रीट की निकाली, सीमेंट कंक्रीट की क्या थी? सबका मल्टीप्लाई करके ये आई फ्रंट साइड के लिए, ये आई साइड साइड के लिए, जिसको हमने क्या किया? टोटल करके ये क्वांटिटी निकाल दी, तो सीमेंट कंक्रीट की आ गई। चिनाई का आपने देखा तो हमारी ये आ गई। अब हम कर रहे हैं प्लास्टर। तो प्लास्टर में देखते हैं, अभी तक हमने क्या कर ली? अपनी ट्रेड कर दी, हमें सबका ही जोड़ चाहिए। तो ट्रेड के बाद हमारी क्या होता है? प्लास्टर हम किस पे करेंगे? तो हमने सामने का ये पट कर लिया, सीढ़ी का ये पट तो आपने प्लास्टर कर लिया। अब आप क्या प्लास्टर करेंगे? सामने से दिखने वाला ये हिस्सा, हमें क्या करना है? ये हिस्सा प्लास्टर करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं।
तो हम अपना राइजर देखते हैं, ये जो राइजर है इनकी कैसे करेंगे। तो राइजर के लिए सेकंड राइजर प्लास्टर ही चल रहा है हमारा, बाकी क्वांटिटीज हम निकाल ही चुके हैं। तो राइजर में भी पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप के लिए करेंगे, पहले देखेंगे मतलब फर्स्ट राइजर पहला उठान क्या है हमारा, ये वाला। तो ये जो उठान है कुछ हमारी इस स्टेयर में इस तरीके से उठा हुआ होगा, अब देखेंगे तो इस तरीके से उठा हुआ भाव होगा जो कि यहाँ भी उठ रहा होगा और यहाँ भी उठ रहा होगा। अगर हम इस स्टेयर को 3D में देखें तो अब हमें ये उठान चाहिए जिसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर ऐसे है, 2 मीटर ऐसे है। तो इसमें क्या है, हम कोई ऐसा तो नहीं क्रॉस हो रहा है, 2 मीटर हमने यहाँ से पेंट करना चालू किया, 2 मीटर इस तरीके से हम पेंट प्लास्टर करते हुए चले गए और 2 मीटर हमने फिर ऐसे कर दिया। तो इसके लिए जो लंबाई आएगी क्या आएगी, 4 मीटर, क्योंकि इसमें कोई लैप नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या था, इसके ऊपर ऐसे करके 2 बार फिर रहा था, लेकिन यहाँ 2 बार नहीं फिर रहा, आप यहाँ से प्लास्टर करना चालू करेंगे और इसे घूम के पूरा 4 मीटर तक कर देंगे। तो इसके लिए लंबाई कितनी आ गई, 4 मीटर। अब इसकी चौड़ाई देखते हैं, तो चौड़ाई तो उठान में है ही नहीं, प्लास्टर की बात कर रहे हैं, इसकी कोई चौड़ाई नहीं है, सिर्फ क्या है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 0.15, ये ले लिया हमने इसकी ऊंचाई। ऐसे हम सेकंड राइजर के लिए लेते हैं, सेकंड राइजर आपका ये है, तो इसका जो राइजर बनेगा वो यहाँ कहीं बनेगा, ये कितना बनेगा 1.70 का, 1.70 ऐसे, 1.70 ऐसे, तो टोटल कितनी हो गई लंबाई 3.40, चौड़ाई कुछ नहीं है और ऊंचाई सबकी इक्वल है 0.50। अब लेते हैं थर्ड राइजर, थर्ड राइजर नंबर एक। अब थर्ड राइजर में क्या होगा आपका, 14 की लंबाई का ये वाला उठान देखना है हमें, ये वाला उठान। तो इस उठान के लिए क्या आएगी आपकी, 14 2 बार 2.80, 1.40 ऐसे, 1.40 ऐसे, और इसका उठान कितना है 0.15। अब हम बात कर रहे हैं उठान की, यहाँ पर एक नोटिस करने वाला पॉइंट है, एक बार ऐसे उठ गए पहला स्टेप, फिर दोबारा उठ गए दूसरा स्टेप, फिर तिवारा उठ गए तीसरा स्टेप, लेकिन हमें तो घर के अंदर जाना है फर्श पर, तो फर्श पर जाने के लिए आपका एक और स्टेप एक्स्ट्रा है, ये वाला जो स्टेप है उठान का, ये सीढ़ी नहीं है, लेकिन कभी भी जो फर्श के बाद जो सीढ़ी बनती है वो यहीं तक बनती है, एक उठान एक्स्ट्रा दिया जाता है फर्श पर पैरों को चढ़ाने के लिए। तो हमें तो उठान प्लास्टर तो इसके फेस पर भी होगा, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो इसकी लंबाई कैसे निकालोगे, इसका मतलब ये जो है दीवार, इसके जो उठान पर हो रहा होगा, यहाँ जो उठान आ रहा होगा, ये जो उठान होगा आपको ये देखना है। तो इसको आप कैसे देखेंगे, आपकी दीवार कितनी लंबी है 1 पॉइंट, यहाँ तो हमें दिया नहीं है कितनी लंबी है, तो हम क्या करेंगे 1.40 ऐसे थी, तो आप 30 घटा दीजिए आपको ये मिल जाएगी, अगर ये 30 आप घटा देंगे तो कितनी दीवार हो गई आपकी 1.10 की। तो फोर्थ राइजर आप लिखेंगे, फोर्थ राइजर एट प्लिंथ, कुर्सी तल पर। वैसे भी आपने पढ़ा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ट्रेड से राइजर की संख्या 1 अधिक होती है, तो इसकी लंबाई कैसे निकाली, 1.40 में हमने 30 माइनस कर दिया, ये आ गई 1.10, 1.10 ऐसे और 1.10 ऐसे, तो कितना हो गई 2.20, और ऊंचाई इसकी 0.15 ही रही। तो अब हमने क्या किया, उठान भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, पर जब सीढ़ी आप यहां से देखेंगे तो हमारा ये साइड फेस रह रहा है, दोबारा से क्या रह रहा है हमारा साइड्स। तो अब हम साइड्स के लिए देखते हैं, अपनी साइड्स के लिए
फर्स्ट स्टेप। सेम पहले की तरह ही होगा जैसा टिम्बर के लिए था, हम पहले इसको एक मान के चलेंगे। प्लास्टर करने के लिए एक क्या होगा 0.19। 30 ये ऐसे है, 30 ऐसे है और 30 ऐसे है, तो 30 30 30 90 तो 0.19। अब इसकी आप चौड़ाई देखेंगे, चौड़ाई कितनी है नहीं, ऊंचाई है 0.15। सेम ऐसे आप सेकंड के लिए निकालेंगे। अब इसके लिए देखेंगे आप जब इस वाले के लिए, तो ये कितना होगा 30 और 30 60, तो ये रहेगी हमारी 0.60 और ये 0.15। ऐसे आप थर्ड के लिए देखेंगे, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है आपका, ये 30 तो 30 0.15। इस तरीके से हमने सभी जगह क्या कर लिया, अपना प्लास्टर कर दिया। नंबर ऑफ साइड आपकी 1 नहीं 2 रहेंगी, क्या होंगी 2, एक साइड इस साइड की और दूसरी उस साइड की। इन सबको हम कैलकुलेशन करके अपनी क्वांटिटीज निकाल लेंगे, टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी आई। तो इस तरीके से हमारे सारे प्लास्टर की क्वांटिटी हमें मिल गई। हमने किया था 15 mm थिक प्लास्टर, पहले किया था ट्रेड पर, तीनों ट्रेड के ऊपर, उसके बाद हमने किया उठान पर और फिर दोनों साइड्स पर, जो इस साइड की और दूसरी साइड की है। जिनकी क्वांटिटी ये आ गई और टोटल क्वांटिटी जोड़कर आपकी प्लास्टर की टोटल 5.19 स्क्वायर मीटर आई। इस तरीके से आप अपनी स्टेयर्स को कर सकते हैं। सिर्फ स्टेयर क्वेश्चन जो है वो अपने इस लैपिंग की वजह से और कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशंस की वजह से थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन रहता है और मोस्टली पूछा जाता रहता है इसी वजह से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है।